गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक 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 टू माय चैनल। तो गाइस अभी हम ऑफिस के लिए रेडी कर लिया है, अभी ऑफिस जाएगा। बस ऑफिस से घर आना जाना ही वाला ही ब्लॉग ही देखते रहेगा आप लोग, तो प्लीज बोरिंग मत होइएगा। तो एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग इसका तरफ से। ये तो गाइस ये रहा आज का मेरा ओ ओ टी टी, बस सिंपल ऑफिस वेयर। चप्पल बाहर पे रखा है तो नीचे पे, बस ऑफिस वेयर है ये सिंपल सा। तो अभी मौसम भी गाइस थोड़ा वो हो रहा है, बारिश बारिश हो रहा है, तो अभी हमको मिस्टर थोड़ा वो तक बस स्टेशन तक पहुंच जाएगा। तो अभी हम जाएगा बस स्टेशन तक जाके, वहाँ से फिर बस से जाके ऑफिस, फिर पैदल जाएगा ऑफिस। थोड़ा देरी का रास्ता है, थोड़ा दूर का रास्ता है, वहाँ से फिर पैदल चला जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, आज क्या क्या होगा मेरे को भी पता नहीं है, हमेशा की तरह जो भी होगा आप लोग को शेयर करेंगे, आप लोग को दिखाएंगे। ये रहा आज का मेरा फेवरेट फुटवेयर, ये गाइस ये मेरा क्या बोलते हैं फुटवेयर जो ना मेट्रो का है, मेरा फेवरेट, मेरा सबसे ज़्यादा इसको कंफर्ट होता है इसको पहनने से। और ये रहा मेरा कार जो कि हम बाहर नहीं चला सकता है, रोड पे नहीं चला सके, ऐसे रखा हुआ है। अंदर पे ही चला सकते हैं, जहाँ पे क्राउडेड नहीं होते वो जगह पे ही चला सकते हैं। गाइस आप लोग में से कौन है जो ऐसे करता है मेरा जैसा, जो क्राउड जगह में नहीं चला सकते ट्रैफिक में, बस फील्ड में ही चला सकेगा और जहाँ पे क्राउडेड नहीं होते वहाँ पे गेट खोल रहे हैं, गेट खोल के जाएंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं गाइस यहाँ से, अभी जाएंगे क्या बोलते हैं स्टेशन, इसको स्टेशन तक ही पहुँचा बोला था मिस्टर को ना। तो कभी कभी क्या करता है, स्टेशन तक नहीं पहुँचा के डायरेक्ट ऑफिस ही पहुँचा देते हैं। तो अभी तो हम स्टेशन तक ही पहुँचा बोल रहे हैं, पहुँचा बोलने से भी ये पता नहीं मूड चेंज होने से डायरेक्ट ऑफिस ही पहुँचा देते हैं। तो बस अभी चलते रहेंगे, कहाँ तक पहुँचाएंगे आप लोग को दिखाएंगे। ऐसे हाँ रहा हम लोग का घर का रास्ता, हम लोग का सेक्टर का कॉलोनी का रास्ता है ये, व्हाइट होटल। मिस्टर को पहुँचा बोला था डायरेक्ट से, फिर ऑफिस ले जा रहा है, अभी टाइम है बोलता है उसके पास में, टाइम अवेलेबल है। उधर एक बस भी जा रहा है ना, लेकिन टाइम अवेलेबल होने से हमको यहाँ तक, ये ऑफिस तक पहुँचा देते हैं उसके पास टाइम अवेलेबल होने से। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इस तरह का गाड़ी से हमको डायरेक्ट ऑफिस पहुँचा देगा वो। बस आप लोग थोड़ा देखिए यहाँ में मॉर्निंग में कैसा होता है, हम लोग नाहरलगुन में ट्रैफिक देखिए। एक बस भी जा रहा है, वो बस में हम जा सकता था हम, तो बस में देखिए हो जाएगा, इसको इतना पहुंचाने मन है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं पहुंचाने दे देगा। ये आगे में एक रोड लोअर जा रहा है ना, ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है ना, हम लोग को आगे जाने दे रहा है ना, खुद आगे जा रहा है, वो डिस्टर्ब है। चलो अभी थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा खाली है, देखो ट्रैफिक ऐसे हो जाता है, अचानक कब आ जाता है और अचानक कब भर जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। अभी थोड़ा खाली है देखिए, हमारा नाहरलगुन का ट्रैफिक का व्यू देखो, आज नो ट्रैफिक, थोड़ा कम है, मंडे को तो भयानक ट्रैफिक होता है। ये रहा सी सेक्टर नाहरलगुन, ये रहा हम लोग का बोर पानी ब्रिज, आप लोग सुना होगा बचपन से, बारा पानी, हम लोग बोर पानी बोलते एक्चुअली, बारा पानी है ये बारा पानी का गंदा गंदा पानी देखिए, वहाँ हम लोग बचपन में नहाता था वहाँ पे, इतना गंदा पानी। या जो भी बचपन का नाहरलगुन का बचपन में यहाँ से यहाँ में गुजरा है वो लोग तो यहाँ में कोई भी नहीं नहाने वाला नहीं होगा, ज़्यादातर तो नहाए होगा, ये भी पूरा स्कूल बंक करके जहाँ नहाता था वो मेरा हस्बैंड जो बोर पानी नदी में स्कूल बंक ज़्यादा करता था, और स्विमिंग भी वहीं से सीखा है, बोर पानी बड़ा पानी नदी में। अभी ये इसको पूछेगा ना नदी में क्या क्या करता था और आप लोग कैसा कैसा नहाता था कैसे कैसे समय में, और ये बताएगा भी नहीं गाइस, कुछ के भी फायदा नहीं है, ये सिर्फ ऑफ कैमरा बताएगा, ऑन कैमरा तो बात करेगा भी नहीं, ही इज समव्हाट कैमरा शाय। नो कैमरा शाय,
हम लोग अब जेमी का भाषा में बात कर रहे हो। नो कैमरा सर। यस आई एम नो कैमरा सर आई एम हाई आई एम ताजई चाकू। इतना जोकर का बात नहीं है गाइस। खुद का पास गाड़ी है और यहाँ को गाड़ी भी दिया है लेकिन हम खुद नहीं चला पा रहे बिकॉज ऑफ कम हिम्मत का वजह से। मेरे पास हिम्मत कम है, कहीं भी चला लेते हैं जहाँ पे क्राउडेड नहीं होगा, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा। लेकिन क्राउडेड जगह और ट्रैफिक जगह में मेरा हिम्मत नीचे चला जाता है, लो हो जाता है। स्कूटी भी नहीं चला के सर गया अभी। स्कूटी को तो हम तो कभी भी सीखने मन नहीं है कि अमीर लोग स्कूटी नहीं चलाते। जॉक अपार्ट, मजाक किया उसका, दिल पे मत लेना दोस्तों। स्कूटी को हम ये हाइट फोबिया का वजह से हम नहीं चला पाते स्कूटी, कोई भी नहीं चला पाते, डर लग गया हमको। और ऊपर से बैलेंस भी नहीं, जोता से साइकिल भी नहीं चलाए तो इसलिए बैलेंस के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। सबसे मेन तो बैलेंस है ना स्कूटी के लिए, तो बैलेंस ही नहीं कर पाता है तो हम क्या चलाएगा स्कूटी, डर लगता है। सो गाइस ऑफिस पहुंचने वाला है, स्टे ट्यून्ड। गाइस पहुंच गया, हम लोग का ऑफिस का गेट ये रहा, ऑफिस पहुंच गई। सो गाइस हम अभी ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस पहुंचे पूरा ये देखो सब खाली, टेबल लोग खाली, ये पार्टनर दोनों आ गया, हम लोग का इंचार्ज और इंचार्ज का पार्टनर आंटी दोनों आ गया, तो पूरा टेबल खाली है देखिए। तो हम लोग सबसे पहले आए आज ना, क्योंकि हम सबसे लेट होते हैं, तो आज मिस्टर पहुंचा दिखा वजह से जल्दी हुई है ना। आंटी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, आप आज क्या से आए? हम लोग बोझ है, उपाय नहीं है, गाड़ी होके भी नहीं चला सकते। आंटी भी बहुत सिखाता है, आंटी भी बहुत सीख चुका है, तो बहुत क्या नहीं सकता है, क्या करेगा। हम भी वही अभी बोल के आ रहा था रास्ता में ना, बहुत कोशिश किए नहीं होते है उनके ना, तो उपाय नहीं है। हमेशा हम लोग टाइम में आ जाते हैं, ऑफिस टाइम में आ जाते हैं, बेटा वीडियो पे बने रही है। अभी अभी आए देखिए काम आ गया है। जी हम लोग अभी फिर बस रुक रहा है यहाँ पे। गैस कुछ सामान लेना है इसलिए एटीएम घुस रहा है अभी, थोड़ा पैसा निकलेगा। पैसा नहीं है यहाँ पे एटीएम पे। घर पहुँच गया, जो लेना था लिया ही नहीं है, एटीएम में पैसा नहीं है, देखता है शाम को, देखता है जेमी क्या कर रहा है, जेमी क्या कर रही है देखती हूँ। क्या क्या कपड़ा पहन के घूम रहा है, व्हेयर इज योर कपड़ा, व्हेयर इज योर कपड़ा। कैसा अभी हम लोग लंच कर रहे हैं, आज गाय का हड्डी बनाया था बोन मेरो। अभी अभी जेमी हम दोनों सो के उठा है, तो मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा था, चाय भी पी लिया, मेरा चाय को भी आधा ले लिया, उसका पिताजी का को भी आधा ले लिया। देखो ना इतना ठंडा है मौसम, मौसम है ठंडा ठंडा कूल का, सो ठंडा। अभी हम लोग जा रहे हैं जेमी, हम लोग उसका पिताजी, पिता उसका पिताजी, सॉरी एक्चुअली उसका पिताजी हम दोनों जाना था, तो जेमी हमेशा पूछर ही बन जाता है, उसको छोड़ के जाने से भी भरोसा नहीं है, घर में देखने वाला लोग भैया लोग का भरोसा नहीं है, तो हम जेमी को भी लेके जाएगा थोड़ा शाम, अभी शाम हो गया तो कुछ सामान लेने जाना है, तो चलिए हम चलते हैं तीनों हमेशा की तरह चिपक के, चलिए धर्म जी, तो चलिए चलिए चलिए। ये देखिए क्या कपड़ा पे लेके जा रहा है, मर्जी मर्जी, चलिए चलिए लेट्स गो लेट्स गो। पूचर मामा का, अबू का पूचर, देखिए अभी बारिश गिर रहा है तो कपड़ा को यहाँ सुखा दिया, वहां में ज्यादा ही हो गया था तो यहाँ आधा को सुखा दिया हम लोगों ने। अभी चलिए हम लोग निकलते हैं मार्केट की ओर, बहुत बारिश गिर रहा है, अभी हम लोग गाड़ी से जाना पड़ेगा, प्लान तो स्कूटी से जाने का था पहले, अभी बारिश सॉरी फोर व्हीलर से जाना पड़ेगा, तो चलिए 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 जी चलिए चलिए जी। तो अभी हम उठ रहे हैं गाड़ी पे, हस्बैंड का गाड़ी पे, मामा तू बेसहारा है,
गाड़ी चलाने नहीं आती है तो पापा के साथ निर्भर होना पड़ेगी। देखिए नाहरलगुन का व्यू, शाम का व्यू देखिए गाइस, शाम का व्यू बारिश होते हुए। अभी हम थोड़ा उधर जाएंगे, एटीएम जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम लोग का सेक्टर का एटीएम खराब है। खराब बोल के भी नहीं है, पता नहीं पैसा निकाल ही नहीं रहा है, कैश नहीं ये भी नहीं बताता है। तो अभी यहाँ पे जाएंगे HDFC बैंक में, यहाँ पे नियर अल्कहब। तो हम लोग बाजार से आ गया, जैसे अभी पहुँचा है, सब्जियाँ अभी ले लिया है। बहुत ही टेंशन हो जाता है जेबी को ले जाने से ना, क्या क्या सामान उठा के लेके आते हैं, जो खाता भी नहीं है घर में, बस देख के अट्रैक्ट हो जाता है, वैसे वाला सामान उठा के लेके आता है, और उसको ख्याल करेगा ना सामान लेगा, ऐसे हो जाता है। रख भी नहीं सकते, रखने से भी यहाँ पे कोई ध्यान से देखते नहीं, मना नहीं है, भैया लोग तो अपना धुन में। ओ भाई जी माँ, तो अभी डिनर बनाने का समय है एज यूजल। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स वेज, इसको फ्राई कर देगा, और यहाँ पे अंडा बॉईल कर दे रहा है, यहाँ पे सब्जी बनाएगा। चावल तो हो गया, आज नो मीट। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या खा रहा है आज ब्रेकफास्ट में, ब्रेड और थोड़ा लुट्टी भी डाल के खा रहा है बॉयल अंडा, क्योंकि कितना फ्राई राइस खाएगा, और दूसरा रोटी सोटी का तो टाइम ही नहीं मिलता सुबह को बनाने का, अपना काम करके अभी जाएंगे। गुड इवनिंग गाइस, गाइस आज को इतना बिजी था कि इतना बिजी था क्या बोलते ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला है ना। हम जो सुबह को ऑफिस गए आप लोग, तो दिन भर तो बहुत बिजी था, मोबाइल निकलने का भी टाइम नहीं था ना, तो डायरेक्ट शाम को अभी हम सब काम ख़त्म करने का, मतलब शाम को अभी कर रही हूँ। बस अभी डिनर में ये बनाएगा, खिचड़ी बनाएगा, खिचड़ी। खिचड़ी सबसे ये है क्या बोलते हैं, इजी प्रोसेस, सब्जी एक्स्ट्रा बनाने दरकार नहीं, बस खिचड़ी बना, उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का एक चटनी बना, बस मेरे बच्चों को और मेरा हस्बैंड को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो बस अभी हम खिचड़ी बना देगा। यहाँ में खिचड़ी के लिए हम जो वो पीस रहे हैं क्या बोलते हैं, ये लहसुन अदरक का पेस्ट पीस रहे हैं, यहाँ से अभी बनाएगा खिचड़ी। प्याज नहीं डालेगा, बस यही बनाएगा। और यहाँ पे खिचड़ी के लिए हम जो यहाँ पे चावल और मूंग दाल और थोड़ा से क्या बोलते हैं ये दाल लाल वाला क्या बोलते हैं छोड़ो, ये भिजा के रखा है, हमेशा बनाते हैं बुलिया नाम जो, हमें भिगो के रखा है। यहाँ पे हम कुकर में नहीं बनाएगा, हम कढ़ाई में बनाएगा, इसलिए इसको भिगो के रखा है कि आरती चावल के साथ में। यहाँ में अभी पीस दिया है टोमेटो एंड गार्लिक का पेस्ट, अब यहाँ से बनाएगा। बस इंग्रेडिएंट यही है, ये मेरा वो अभी का पिसा वाला पेस्ट, गार्लिक एंड टोमेटो गार्लिक एंड अदरक का पेस्ट, ये ले लीफ ना, ये तेज़पत्ता ये डालेंगे, उसके बाद हल्दी डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, और ये धनिया पाउडर, और कुछ भी नहीं डालेगा, ये रेड चिल्ली नहीं डालेगा, क्योंकि बेटी खाएगा ना चाल हो जाएगा, तो यही ज़्यादा नहीं कुछ स्पेशल से नहीं बनेगा, बस सिंपल, बच्चों को सिंपल ही पसंद है ये। वहाँ पे तेल डाल देगा, धारा धारा शुद्ध धारा, छोटा मसाला एक बार तो आप लोग याद है कि नहीं ना, अभी तक धारा चल रहा है, बस तेल इतना ही काफ़ी है। एक्चुअली मेरा घी ख़त्म हो गया ना, घी होने से हम घी से बनाना था, घी ख़त्म कर दिया हम भी, मालूम ही नहीं है, देखा है तो ख़त्म करके रख दिया बच्चे लोग, या क्या बनाते रहते हैं ना बड़ा बेटा जो, तो वो लोग ख़त्म कर दिया घी, बस अभी तेल से बनाना पड़ेगा, लास्ट में थोड़ा बटर डाल देगा फ्लेवर आने के लिए, घी तो पूरा खल्लास कर दिया। जेमी को देखिए क्या कर रही है, यहाँ पे अभी क्या क्या लिख रहा था, अभी ये रेस्ट कर रहे होते टायर्ड हो गया बोलते हैं, इसका पढ़ाई जो ये देखो उसका मैम वहाँ पे पढ़ रही ना, वो मैम जब भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ने के लिए करते हैं, अच्छा ये है क्या बोलते हैं आदत है, इसलिए मोबाइल पकड़ने से ज़्यादा कोई बुक्स एंड कुछ पेन पकड़ के बैठने से ये उसका कॉपी कर लेता है, और वो क्या बोलते हैं ये जो ये भी
पकड़ने लग जाता है पेन कॉपी। तो अभी घर पे भैया दोनों नहीं है, अभी मैम पढ़ाई कर रही है, उसका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है अभी, तो पढ़ाई कर रही है। इसको ही देख के जेमी भी पढ़ाई करने के लिए पूरा करता है अभी ना, पेन वगैरह पकड़ के। तो अभी तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया, अभी यहाँ में डाल देगा। मिर्चा ड्राई चिल्ली भी डालना था, ये क्या बोलते हैं सूखा वाला मिर्चा, तो बेटी खाएगा ना इसलिए वो सब नहीं डालेगा। अभी गार्लिक और अदरक का पेस्ट जो ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है, अभी हम डाल देगा ये जो। थोड़ा हिला लेगा गैस, एक इतना जोकर वाला बात आप लोगों को बताएगा। आज सुन क्या हुआ है, मेरा ऑफिस से दीदी है ऑफिस में, तो हम लोग सेम सेक्टर में है, सेम कॉलोनी में है। उनको बोला था कि हम जल्दी जा रहे हैं बोल के हमको ना, वो क्या बोल रहे वो दीदी जो वो सब्जी बहुत ज़्यादा लिया था, शायद ऑफिस में सब्जी बिक्री करने आया था, तो सब्जी को वो ना बहुत सारा सब्जी को मेरा डिक्की में डाल दिया, डिक्की में डाल के मेरा सेक्टर का दुकान में डाल रख दो बोला है। ऊपर से उसका रास्ता जाता है, तो उसका रास्ता जाने वाला दुकान में वो रखो बोला था सब्जी को, तो हम भूल गया। अभी भी गाड़ी में है, डिक्की में है, मिस्टर का गाड़ी में डिक्की में, तो हम भूल गया। तो अभी कॉल कर रहे सब्जी को दुकान में रख दिया गया, हम लेने आ रहा था, हम भूल गया। वो भी बोलो भी ठीक से हंस रहे, दिन में वो खबर भी नहीं किया और हम भी भूल गया। तो बस उसको अभी देने जाएगा, वो दुकान में रख देगा। डालेंगे सबसे पहले नमक ही इम्पोर्टेंट है, नमक बाद में कम पड़ जाएगा तो और डाल देगा। और सुंदर सुंदर कलर के लिए हल, तो दीदी लोग उधर आ रहे बोले तो हम आधा रास्ता में दे देगा, वो उसको देने जाएगा। अभी हम बेचारा इतना मोरम रहता है, वो बीमार भी है ना, तो बीमारी लोगों को थोड़ा मदद भी करना चाहिए। हम गाड़ी चला सकने से उसको देखो ना हेल्पलेस, गाड़ी नहीं चलाने का अंजाम, चला सकने का अंजाम, गाड़ी चला सकने से उसको घर में भी जाके हम दे सकना था। बिस्तर को तो बोलने मन नहीं होते ना छोटा मोटा काम के लिए, तो हम पहुँचा देगा पैदल। यहाँ पे डिक्की में वो रखा था, देखो ना जैसे रखा था वैसे ही पूरा बॉयल सब्जी। चलिए ये देखो दी, हाय दी, ये देखो आया। तो कैसे वो दीदी को दे दिया हम, अभी अपना कॉलोनी का रास्ता में है, अभी जा रही हूँ अकेली सुनसान रास्ता पे। तो गाइस पहुंच गया मेरा प्यारा सा घर में, अभी फिर से मेरा खाना को देख लेती हूँ। ठीक है ना, जला दिया मेरा मिस्टर जो न्यूज़ देख के जला भी दिया होगा, उसका भरोसा नहीं है, देखते हैं। मेरा सब्जी को देख दिया ना, जला दिया, देखो बोला था ना हम क्या बोल रहे हैं, ये मूवी देख के क्या को देखिए, हम गैस कमती करके नहीं जाने से जलने वाला था, अच्छे से ला दो सही वक्त में आ गया। हमको पीछा करते हुए जेमी, उसको हम इतना दिन का बाद ऐसे ना प्यार से निकालो, इतना दिन के बाद हम उसको ले दिया पॉपकॉर्न, वैसे उसको हम दुकान का सामान देता भी नहीं है, वो आज मोरम लग के बहुत माया लग के ले दिया। आर यू हैप्पी बेबी, आर यू हैप्पी, इधर देखो, आर यू हैप्पी, लव मी, लव लव दिखा। वो क्या करते हैं गाइस ना, जेमी जब गुस्सा होता है, हाँ हाँ चलो दिखाओ, यस लव लव, अच्छे से लव दिखाओ। ये जब हम लोग अच्छा पाते हैं, जब प्यार करते हैं तब पूरा हाथ में उसका दोनों हाथ को लव दिखा देते हैं, दोनों हाथ से ना, और जब गुस्सा हो जाता है वो दोनों लव को पूरा तोड़ देते हैं। बहुत फनी है, कभी दिन दिखा देगा आप लोगों को।
बेटा आ गया, ट्यूशन से आ गया बेटा। हाय से हाय। हाय हाय। देखो जेमी का तो आज सोने पे सुहागा हो गया पूरा। हम दूसरा दिन में कभी भी उसको ना ये दुकान का सामान ले रहते, आज को थोड़ा मूड था हमको देने का ना, थोड़ा मोरम भी लग रहा था तो दे दिया। अभी से खा रहा है वो भी 20 रुपीज वाला पॉपकॉर्न। देखो इतना ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा होते हैं ना, तो अभी उसको अभी खा रहा है, खूब खा रहे हैं। गैस अभी अभी हम पानी डाल दिया, अभी अभी अब ये पानी को पानी से इसको पकने देगा। अभी पानी कितना होता है वो सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये में कुकर में नहीं होता है, कुकर में कभी कभी खाना जैसे हो जाता है, सूखा सूखा हो जाता है ना, तो ये बेस्ट है कि ये आप कढ़ाई में बनाओ ये को ना खिचड़ी को। देखो इतना फनी है आज को क्या हुआ है, हम कपड़ा धो रहा था, मेरा लॉन्ग पेंट का पॉकेट से शायद निकला है, किसी का लॉन्ग पेंट नहीं धोआ था, बस बच्चों लोग का स्कूल यूनिफॉर्म ही था, तो ये 20 रुपये मिला है उसमें से ना, सूख गया अभी ना, सूखा दिया ये पूरा। इतना वो मशीन में कपड़ा लुकर रगड़ रगड़ के धोआ है फिर भी ये खराब ही नहीं हुआ है। बा पैसा का पावर तो उपाय नहीं है ना, खराब भी नहीं होता। देखो पावर भी है और मजबूत भी है ना, वैसे ये 20 रुपया है फिर भी बहुत पावर है, इसीलिए इससे भी आप अपना प्यास को बुझा सकता है पानी लेके। वैसा हम अभी इसको ना किचड़ी को यहाँ पे ट्रांसफ़र शिफ्ट कर दिया, देखिए यहाँ पे इंडक्शन में, तो गैस में थोड़ा लॉस लगता है, गैस में हम ये सब पकाने के लिए ना ज़्यादा जो लेट से पकता है वो सबको गैस में पकाने के लिए थोड़ा लेट से थोड़ा सेविंग करना पड़ता है ना। अब फिर हम बैंगन का चटनी, बैंगन का भरता टाइप का बना दे रहा है, भरता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मिस्टर को बहुत पसंद है बैंगन का ना सब्जी जो, तो इसको झाल करके बना दे रहा है खिचड़ी का सब खाने के लिए। और इसको बना देंगे बच्चों लोग को भुर्जी ना, अंडा भुर्जी, अंडा भुर्जी बना देंगे यहाँ पे। पहले टोमेटो को अच्छे से पकने के बाद में अंडा को डाल देंगे, जानता होगा अंडा भुर्जी, एक बार चेक करके देखते हैं, खूब उबल रहा है, ठीक से उबलने दो, उसके खुशबू आता है। मामा बिस्कुट है, तो ये ऑलमोस्ट डन है, बल्कि पक ही गया है, थोड़ा सा रखेगा अभी। अभी थोड़ा बटर डाल के, ये बटर इतना ही डलेगा, इसको डाल के थोड़ा मिला देगा, जिस कलर की लग रहा है। यहाँ पे हम कुछ मसाला एक्स्ट्रा ने ऐड नहीं किए, और चिल्ली पाउडर डालने से कलर जो सुंदर होना था तो चिल्ली पाउडर हमने ही डाला है, जेमी भी खाएगा बोल के। जैसे अभी हम लोग खाएंगे डिनर, ये सब अभी गर्मा गर्म खिचड़ी निकल रहे है मैम। जेमी को थोड़ा बाद में खिलाएगा, कितने खाफे पेट बढ़ती है अभी ना, बाद में खिलाएगा, अभी खिलाने से भी वजह से खाएगा अभी नहीं। हम लोग गाइस वहाँ पे मूवी देखते हुए यहाँ पे खा रहे हैं डिनर। यहाँ पे है चिकन मांस का चटनी एंड यहाँ पे अंडा भुर्जी और यहाँ पे खिचड़ी। कैसे है बेबी, खिचड़ी कैसे है? मज़ा है, मज़ा है ना, मस्ती मस्ती है ना। उधर पे हस्बैंड खा रहा है और यहाँ पे मैं और यहाँ पे जेमी। देखिए हम यहाँ पे क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पे मेरा गोद में ऐसे लेट रहा है और हम यहाँ पे खा रहे हैं। ऊपर नहीं, माँ का ड्यूटी जो है, माँ का फ़र्ज है और बच्चा का फ़र्ज है माँ को डिस्टर्ब करना खाते हुए। पहले से हमसे दूर था लेकिन देखो ठीक खाने के लिए कर रहे थे, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग पूरा खा लिया अभी खिचड़ी, पूरा खा लिया। बंकू अकेला नहीं खाया, वो पेट भरती नहीं खाएगा बोल रहे हैं। खा लिया अभी मिस्टर भी खा के, फिर वहाँ पर मूवी देख रहे हैं अभी जेमी। यहाँ पे जेमी अभी पेट भरती है, क्या क्या खा के मैम भी खा लिया अभी। कैसे था मैम? बहुत टेस्टी है। टेस्टी था ना, थैंक यू। तो गाइस वीडियो इतना तक ही रहेगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट।